गारेज किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारेज किचन। आज मैं साकरोली बना रही हूँ। कि आप साकरोली की रेसिपी देखना चाह रहे थे, इसके लिए मैं साकरोली बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए, ये 1/2 किलो मैदा है, 1/2 किलो गुड़, और उसके लिए हमें 1 गिलास पानी लगेगा और थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। तो जितना आप मैदा लेंगे उतना ही गुड़ या शक्कर, आप शक्कर की भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज गुड़ की बना रही हूँ। गुड़ की ज़रा टेस्टी बनती है। तो जितना आपका आटा रहेगा उतना ही गुड़ या शक्कर लेंगे। अब आगे की तैयारी करते हैं। ये देखो, 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको गर्म होने रखी हूँ। अब थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं ये गुड़ को बारीक काट के रखी थी इसमें डालूंगी, और गुड़ पिघलने तक हम इसको पकाएंगे। इसको चाशनी नहीं बनानी गाढ़ी, सिर्फ गुड़ पिघलाएंगे। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाएगा तब इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद इसमें मैदा डालेंगे। जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं होता मैदा मिक्स नहीं करेंगे। अभी मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, अगर लगा तो मैं थोड़ा डालूंगी। ये देखो, ये गुड़ का शीरा तैयार है साकरोली के लिए। इसको मैंने एक जोश निकाल के दी, गुड़ पिघलने तक सिर्फ पकाना है, इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। और इसमें नमक डालकर मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें साकरोली का बैटर तैयार करेंगे। ये देखो, ये शीरा हमारा अभी ठंडा हो गया है, ऐसा इतना बना हुआ पतला। अब मैं इसमें मैदा मिक्स करूँगी और 10 से 15 मिनट अच्छा फेंट के लूँगी। ये ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। इसमें सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं है। और 10-15 मिनट फेंटने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये देखो, ये बैटर अभी हमारा तैयार है। इसको मैंने 10 मिनट तक अच्छे से फेंट के ली हूँ। इस तरीके से ऐसा फेंटना है ज़ोर ज़ोर से यार, इसके बबल बन रहे हैं। देखो, ऐसे बबल बनना चाहिए। और मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड की हूँ, थोड़ा गाढ़ा था इसके लिए। 1 चम्मच मैंने भर के पानी डाला था। पहले मैंने 1 गिलास डाली थी, फिर और 1 चम्मच मैंने पानी डाल के अच्छे से 10 मिनट तक फेंट कर ली। अभी मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ूंगी, और आधे घंटे के बाद इलायची पाउडर डाल के और 10 मिनट फेंट के मैं इसके साकरोली बनाऊँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये बैटर तैयार है। आधा घंटा रखने के बाद मैंने इलायची पाउडर डाल के 10 मिनट अच्छे से फेंट कर ली हूँ। अभी मैं इसकी साकरोली बनाऊँगी। तेल गरम होने रखी हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, तेल हमारा गरम हो चुका है। तेल गरम होने के बाद गैस को एकदम स्लो करेंगे और अब मैं साकरोली बनाऊँगी। ये देखो, इतना मैंने ली हूँ कप में, इस तरीके से डालेंगे। मैं छोटी छोटी ही बना रही हूँ, अगर आप बड़ी बनाएंगे तब भी चलेगा, बड़ी भी बना सकते हैं। ये देखो, ये साइड से अभी इसकी जाली बन रही है। जब जाली बनते हुए बीच में तक आएगी तो इसमें हम साइड से तेल उड़ाएंगे। अभी थोड़ा देर हम लोग ऐसे ही रुकेंगे। साइड से पूरी अच्छी जाली बन गई, अब मैं ऐसा तेल उड़ाऊंगी इसके ऊपर। साकरोली हमारी बन गई है, चारों तरफ से अच्छी जाली आके बीच में कली भी आई है इसको। अभी मैं इसको निकालूंगी और दूसरी बनाऊंगी। भी डालेंगे, गैस को हम लोग एकदम स्लो पे ही रखेंगे। अभी जाली बनने तक थोड़ा रुकेंगे, फिर उसको बीच में लेके साइड से तेल उड़ाएंगे। ये देखो, साइड से कितनी अच्छी जाली बन गई है। अब मैं इसको उसके ऊपर तेल उड़ा के सेक के लूंगी। इसमें मैंने ना सोडा ना बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ इसको अच्छे से फेंटना है हमको, तो इसकी अच्छी सी साकरोली बनती है। फिर दूसरी भी साकरोली मेरी तैयार है, अभी हम इसी तरह सारे बना कर लेंगे। ये देखो, साकरोली हमारी अब बन के तैयार है। देखो कैसी जालीदार और कली भी आई है, इस तरह से पीछे से ऐसी बनना चाहिए। ये बहुत सॉफ्ट बनी है। देखो, मैं अभी तुमको तोड़ के बताती हूँ ये कैसी जाली बनी है। ये देखो, ये ऐसी जाली बनना चाहिए साइड से इस तरह, तो ये साकरोली ऐसी बनना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।